आज हम बनाएंगे प्याज का रायता, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में जब कोई मेहमान आए तो आप इसे बना सकते हैं लंच या डिनर में। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड्स वैले विद स्वाति। जय श्री श्याम दोस्तों। इसके लिए हमने एक भगोने में 100 ग्राम दही लिया है। ये हमने घर में जमाया था, वही दही है। आप चाहे तो मार्केट की भी ले सकते हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज कट करके डाल लेंगे बारीक। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे अच्छे से फेंटने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़े से काले नमक डाल देंगे। फिर इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, जो कि हमने घर में बनाया है जीरा पाउडर। आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और आधा चम्मच चीनी। चीनी डालने से रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। आप देख सकते हैं मेरा रायता बनकर तैयार है। अब हम इसे छौंक लेंगे जीरे से। इसके लिए हम चमचे में आधा चम्मच तेल डाल के उसमें जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाएगा तो हम इसे रायते में डाल देंगे। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब मेरा रायता बनकर तैयार है। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे आप कोई भी सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना रखी है, तो मैंने इससे प्लेटिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है रायता। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।